ओके सो मुझे चैनल एलग्रो बनाए हुए एक महीना भी नहीं हुआ है। इसे मैंने 4 मार्च को बनाया था एंड आज रिकॉर्ड करते टाइम है 2 अप्रैल। तो वही चैनल बनाए हुए बस कुछ 27 से 28 दिन ही हुए हैं, लेकिन तुम इन सभी वीडियोस पर व्यूज देखो। पहली वीडियो 50,000 के पार है, दूसरी और तीसरी दोनों वीडियोस पर ही 1,00,000 से ज्यादा व्यूज है एंड उसके बाद भी सभी वीडियोस पर काफी ज्यादा व्यूज आए हैं। तो ये चल क्या रहा है, सिर्फ एक ही महीने में हर वीडियो पर इतने ज्यादा व्यूज कैसे? तो इसके वैसे तो कई सारे रीजंस हैं, लाइक मैंने अपने पूरे 2-3 साल का यूट्यूब एक्सपीरियंस इस चैनल में लगा दिया है, हेंस ये इतना ग्रो हुआ। तो सब चीजों के लिए तो एक अलग वीडियो होगी, पर एक सबसे जरूरी चीज है, एक ऐसा सीक्रेट जो अगर तुम जानकर अप्लाई कर लेते हो तुम्हारा वॉच टाइम 2x 3x न जाने कितने x होने वाला है। लोग तुम्हारी वीडियो को पूरा देखेंगे, हेंस यूट्यूब को लगेगा वीडियो बढ़िया है एंड वो तुम्हें और ज्यादा प्रमोट करेगा। तो वो ट्रिक, वो मेथड है क्या? एंड आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है, हाउ टू इंक्रीज योर वॉच टाइम एंड गेट मोर व्यूज ऑन यूट्यूब। तो जब तुम मेरे किसी भी वीडियो को देखोगे ना, तो मैंने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस उसके इंट्रोडक्शन को दी है, उस वीडियो के जो शुरू के 30 सेकंड्स हैं उसको दी है। लेकिन क्यों? बिकॉज नॉर्मली यूट्यूब पर तुम्हारे शुरू के 30 सेकंड्स में ही ऑडियंस डिसाइड कर लेती है कि उन्हें पूरी वीडियो देखनी है या नहीं। और शायद तुम ये जानकर हैरान हो जाओगे, पर नॉर्मली 30-50% लोग एक वीडियो को उसके शुरू के 30 सेकंड्स में ही छोड़ देते हैं। थिंक अगेन, 100 लोग तुम्हारी वीडियो को देखने आए, लेकिन उनमें से 30-50 लोग शुरू के 30 सेकंड्स में ही भाग गए एंड इनमें से भी शुरू वाले 20 लोगों ने तो वीडियो को शुरू के 4 सेकंड्स में ही छोड़ दिया। तो यहां से एक समझदार इंसान की तरह तुम दो चीजें समझ सकते हो। 1, तुम्हारे शुरू के 30 सेकंड्स एक ऐसा टाइम है जब मैक्सिमम लोग तुम्हारी वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं, हेंस इससे तुम्हारा वॉच टाइम कम होता है। एंड 2, यही शुरू के 30 सेकंड्स वो टाइम है जब तुम्हारे पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू गेट मोर वॉच टाइम। पर कैसे? मान लो तुम्हारे शुरू के 30 सेकंड्स में तुम्हारी वीडियो को करीब 40% लोग छोड़कर चले जाते हैं, मतलब तुम्हें पता चलता है कि जैसे ही तुम्हारी वीडियो के 30 सेकंड्स होते हैं, वीडियो पर सिर्फ 60% के आसपास लोग बचते हैं। अब तुम इसका मतलब समझो, अपॉर्चुनिटी। लेट्स से कि अभी तुम्हारा ओवरऑल वॉच टाइम आया है अराउंड 40%, पर अगर तुम शुरू के उन 40% लोगों में से सिर्फ 10% एक्स्ट्रा लोगों को रोक पाते, मतलब 100 लोग थे उनमें से 30 सेकंड्स में 40 लोग भाग गए, लेकिन तुम अपना इंट्रो कुछ ऐसा बनाते कि एटलीस्ट 10 और लोग रुक जाते, तो सोच कर देखो, सिर्फ एक छोटे से एफर्ट से, सिर्फ इंट्रो अच्छा बनाने से तुम्हारा टोटल वॉच टाइम 5-10% तक आराम से बढ़ सकता था। तुम यहाँ छिपी हुई अपॉर्चुनिटी को देखो एंड यही बात मेरे माइंड में काफी अच्छे से स्टोर्ड है एंड इसलिए अगर तुम मेरी सभी वीडियोस को स्टडी करते हो तो तुम्हें हर वीडियो में एक कमाल का इंट्रो मिलेगा। मैं कोशिश करता हूँ वीडियो तो जैसी होगी वो होगी, पर इंट्रो सबसे बेस्ट होना चाहिए, बिकॉज तुम्हारी वीडियो का इंट्रोडक्शन ही डिसाइड करेगा कि कितने % लोग तुम्हारी वीडियो को आगे देखने वाले हैं। ये सब तो ठीक है एल्ग्रो, पर हम इंट्रो बनाए कैसे? आइडिया तो देना यार एक दो। तो मैं तुम्हें सिर्फ आइडियाज नहीं, डायरेक्टली वो टेक्निक ही बता दूंगा जिससे मैं अपने खुद के इंट्रो बनाता हूँ, जिससे मेरा ऑडियंस रिटेंशन हाई होता है और व्यूज ज्यादा। पर उससे पहले देखते हैं कि ये जो वीडियोस मैंने बनाए हैं इनके इंट्रोज में ऐसा क्या खास है, ऐसे कौन से आइडियाज हैं जो मैंने यूज करे हैं। तो नोट्स बनाना और अप्लाई करना। एंड अब शुरू करते हैं वीडियो का बेस्ट पार्ट, एंड आई कैन गारंटी तुम्हें जो एक्सप्लेनेशन मैं अभी देने वाला हूँ वो तुम्हें शायद ही यूट्यूब पर कहीं मिले। बस आगे का पार्ट देखो और तुम खुद समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं तुम्हें बाकी चैनल्स के एग्जाम्पल तो कभी और दूंगा, अभी मैं अपने ही चैनल की बात करता हूँ। अब तक मैंने एलग्रो पर करीब 10 से 11 वीडियोस डाले हैं एंड ट्रस्ट मी, मैंने हर एक वीडियो के इंट्रो पर सबसे ज्यादा दिमाग लगाया है। तो अगर तुम अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो तुम्हें कई काम की चीज मिलने वाली है। जैसे कि सबसे पहली वीडियो में देखो, बेसिकली इस वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि क्यों तुम्हें अपनी वीडियोस को शेयर नहीं करना चाहिए। तो अब इसके इंट्रो को पार्ट बाय पार्ट एनालाइज करते हैं। तुम एक नया YouTube चैनल बनाते हो, नाउ यू वॉन्ट टू ग्रो एंड ग्रो फास्ट, पर यार लॉजिकल सी बात है, चैनल नया है तो इस पर सब्सक्राइबर्स भी जीरो होंगे, तुम्हें कुछ तो इनिशियल व्यूज चाहिए ही होंगे ना। तो जैसा कि तुमने सुना, सबसे पहले मैंने इस वीडियो के इंट्रो में एक नीड को टारगेट करा कि अगर तुमने एक नया चैनल बनाया है एंड तुम्हें उसे ग्रो करना है तो उसके लिए तुम्हें शुरू के कुछ सब्सक्राइबर्स तो चाहिए ही होंगे। एंड इस नीड के बारे में बोलने के बाद मैंने तुरंत एक ऐसी बात बोली जिससे इस वीडियो को एंड तक काफी ज्यादा लोगों ने देखा। आई कॉन्ट्रडिक्टेड द बेसिक सॉल्यूशन द नीड आई रेज्ड हेड। पहले इस क्लिप को देख लो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। 100 लोग या इवन वो 10 लोग तो कहीं ना कहीं से लाने पड़ेंगे ना, तभी तो YouTube तुम्हें प्रमोट करेगा। ऐसे में तुम्हें सिर्फ एक ऑप्शन दिखता है, शेयरिंग योर वीडियो।
पर लिख कर ले लो, तुम्हारा चैनल ग्रो होना हो लेकिन डेड जरूर हो जाएगा। तो अगेन, जैसा कि तुमने सुना, शुरू के कुछ व्यूज चाहिए तो वीडियो शेयर करनी पड़ेगी, पर मैंने तुरंत कहा ऐसा करोगे तो चैनल डेड हो जाएगा। तो अगर तुम अच्छे से सोचो तो इधर तीन चीजें हुई हैं। मैंने एक नीड को रेज करा, फिर उस नीड के सबसे कॉमन सॉल्यूशन को कॉन्ट्रडिक्ट करा, एंड लास्ट में मैंने एक फियर का एलिमेंट डाला कि अगर तुम वीडियो को शेयर करते हो देन चैनल डेड हो जाएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये सच ही है। तो मैंने तुम्हें कुछ गलत नहीं बताया, मैंने बस अपने कॉन्टेंट की हाइप इस तरीके से बनाई, मैंने अपनी स्टोरी को इस तरीके से मोल्ड करा कि उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। एंड चैनल को बने मुश्किल से एक महीना हुआ है एंड वो पहली वीडियो, एंड उस पर 50,000 से ज्यादा व्यूज हैं। तो तुम समझ सकते हो कि इंट्रो अच्छा होना सही में काम करता है। सिमिलरली जब तुम मेरी दूसरी वीडियो को देखते हो तो उसके इंट्रो में भी तुम्हें दो चीजें दिखेंगी। वीडियो शुरू होते ही मैंने तुम्हें डायरेक्टली वीडियो का एम बताया है कि इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा हाउ टू गेट योर फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स इन 2 डेज। एंड इसके तुरंत बाद मैंने तुम्हें प्रूफ दिया कि मैंने ऑलरेडी अपने दूसरे चैनल पर 30,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स इसी मेथड को यूज करके किए हैं। पर एल्ग्रो प्रूफ की क्या जरूरत है? जरूरत है बिकॉज अगेन दो चीजें हैं। एक तो ये क्लेम काफी बड़ा है कि सिर्फ 2 दिन में 100 सब्सक्राइबर्स। ऊपर से यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस भरे पड़े हैं कि 10 दिन में 1,000 सब्सक्राइबर्स करो, 5 दिन में मिलियन करो एंड व्हाट नॉट। तो जो ऑडियंस है उसको यूट्यूबर्स पर अब उतना भरोसा नहीं रहा है, हेंस प्रूफ देना जरूरी है ताकि लोग वीडियो को एंड तक देखें। ऐसे ही है तो मैंने तुम्हें बस दो वीडियोस के स्टार्टिंग के बारे में बताया, पर जो थर्ड वीडियो थी ना उसके इंट्रो में सभी एलिमेंट्स थे जिससे तुम्हारी वीडियो वायरल होने के चांसेस 2x, 3x या इवन 5x हो जाते हैं। एंड वो वीडियो सही में वायरल हो रखी है भाई, 1,00,000 से ज्यादा व्यूज है अभी उस पर। तो उस वीडियो के इंट्रो में ऐसा क्या खास था? वीडियो 3 में मैंने एक सिंपल येट बड़ी इम्पैक्टफुल चीज करी है। देखो, उस वीडियो के लिए मैंने एक प्रॉब्लम को पकड़ा। प्रॉब्लम थी कि एक डेड चैनल को कैसे ग्रो करें। अब एक तो सिंपल तरीका था कि मैं तुम्हें कहता कि मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि डेड चैनल को कैसे ग्रो करना है, एंड ऐसे मैं वीडियो को शुरू कर देता एंड फिर मे बी एक आध प्रूफ्स वगैरह भी दे ही देता, बट वो एक तरीका था। बट इस वीडियो के लिए मैंने एक और कमाल का तरीका चूज करा। मैंने कोशिश करी टू कनेक्ट विद योर सिचुएशन। मैंने कहा कि मेरे भी डेड चैनल्स थे और एक आध नहीं, 2 से 3 डेड चैनल्स थे। इससे हुआ क्या कि तुमने उस टाइम मुझसे कनेक्ट करा कि हाँ यार, डेड चैनल्स तो इसके भी थे। फिर जैसे मैंने तुम्हें कहा कि मुझे एक ऐसी चीज पता चली जिससे अब मेरे पास 2 सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल्स हैं। मैं डेड चैनल वाली प्रॉब्लम को ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। इससे तुम्हारे दिमाग के अंदर कीड़े दौड़ने लगे कि यार इसको ऐसा क्या पता लग गया कि इसने अपना चैनल ग्रो कर लिया। तुमने मुझसे उस सिचुएशन में कनेक्ट करा कि कुछ टाइम पहले चैनल्स तो इसके भी डेड थे एंड अगर ये उन्हें ग्रो कर सकता है तो इस टाइम हमारे चैनल्स भी डेड है तो हम भी कर सकते हैं। तो वो कौन सी चीज है जो इसे पता लगी? बस इंट्रो के कुछ ही सेकंड्स में मैंने जो सस्पेंस क्रिएट करा, इससे उस वीडियो पर अभी 1,00,000 से ज्यादा व्यूज है। एंड भाई यार, चैनल को बनाए मुश्किल से 1 महीना हुआ है एंड ऐसे ही मैंने अपनी हर वीडियो के इंट्रो में कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे ऑडियंस उसको लास्ट तक देखे। मैंने उन्हें एक रीजन दिया है कि वीडियो को एंड तक क्यों देखना चाहिए। हाँ, एल्ग्रो हम सब समझ गए, पर ये तो तेरी स्ट्रेटजी है ना, और तूने कहा था कि लॉजिक समझो, स्ट्रेटजी कॉपी मत करो। तो अब हम अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाए यार, बताता हूँ। तो इसके लिए मैं तुम्हें 2 तरीके बताऊंगा जो तुम्हें यूज करने हैं टू मेक योर ओन ग्रेट इंट्रो, एंड इसके साथ में तुम्हें एक प्रैक्टिकल काम भी मिलने वाला है। नंबर 1, थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑडियंस। जब भी तुम अपनी वीडियो का इंट्रो रिकॉर्ड कर रहे हो या स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो दिमाग में एक पॉइंट को जरूर रखना। अगर तुम ऑडियंस होते और तुम वही इंट्रो सुनते तो क्या तुम पूरी वीडियो को देखते या उसे बंद कर देते? और अगर नहीं देखते तो ऐसी कौन सी लाइंस हैं जो तुम सुनकर वीडियो को पूरा देखते? एंड ऐसे ही उन लाइंस को ढूंढो। एंड इसी से हम आते हैं अपने मेथड नंबर 2 पर, ऑब्जर्व ऑलरेडी सक्सेसफुल चैनल्स। जो भी तुम्हारी नीश में ऑलरेडी टॉप पर है उनकी वीडियोस में जाओ और देखो भाई वो अपने इंट्रो में ऐसा क्या डालते हैं जो उनकी ग्रोथ इतनी ज्यादा है। वो तुम्हें हुक करने के लिए ऐसी कौन सी लाइंस यूज करते हैं? ऐसे ही तुम अपनी यूट्यूब वॉच हिस्ट्री में जाओ, वहां देखो तुमने कौन सी वीडियोस को पूरा देखा है एंड अगर देखा है तो उनके इंट्रो में ऐसा क्या अलग था। उन लाइंस को नोट करो एंड जब तुम्हारे पास कई सारी लाइंस होंगी उनमें एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो कि यार इन 5 वीडियो में क्या सेम चीज थी, और वही चीज उस यूट्यूबर का सीक्रेट होगा टू गेट मोर व्यूज। अब मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, सबसे पहले तो इस वीडियो के नीचे लिख देना आई डिड इट, ताकि मुझे पता तो चले कि कौन कौन सीरियसली यूट्यूबर बनना चाहता है। एंड उसके बाद मेरी बची सारी वीडियोस या कोई और वीडियो जिस पर की व्यूज सही है उनमें जाकर एक एक करके उनके इंट्रोडक्शन को ऑब्जर्व करो। फिर जैसे मैंने इन 4 वीडियो से ये नोट्स बनाए हैं ऐसे ही तुम भी बनाओ, उनसे सीखो और देखो कि तुम क्या अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हें मेरे कोई सीक्रेट्स जानने हैं तो इस प्लेलिस्ट को देख लो, वरना इस वीडियो को देख लो।